कि नासिर जी ने जो कहा, लोगों को समझना पड़ेगा, आज ये रियलिटी हो गए। लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके रील्स बना रहे, किताब नहीं पढ़ रहे, जा खाने पीने की दुकानों पर जा रहे हैं, एक दोस्त है फ्रेम ढूंढ रही है या फिर फ्रेम ढूंढ रहा है, दूसरा दोस्त है खाने की फोटो ले रहा है। आप देख रहे हैं पर्सनल कनेक्ट खत्म हो गए, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि मैं कौन सी रील डाल दूं और वो कितनी पॉपुलर हो जाए। अब इसका काउंटर व्यू ये आता है, लोग कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी हो गई है ये मेरे, मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को पर्सनली, वो कहते हैं हम इससे 30,000, 40,000, 50,000 कमा रहे हैं, हम 2-3 वीडियो डालते हैं और हमारे इससे 1-1 लाख रुपए आ रहा है। आप क्या हमें 9-9 घंटे रोज ऑफिस में काम कराओगे? हम अपने घर में रहते हैं, 2 घंटे बनाते हैं, 4 वीडियो डालते हैं और पैसे कमा लेते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन उसकी लाइन तो होगी ना, किसी को नुकसान पहुंचा के तो नहीं आ सकते ना पैसे। मानवी जी देखिए, ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पे 3 चीजें बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरे को ना अब ऑडियो में इशू आ रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए। जी जी। देखिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये रील बना रहे हैं वो उस बेचारे की क्या मजबूरी होगी जिस वजह से ये रील बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोगों को, मैं लोगों को बहुत जिम्मेवार समझती हूँ जो ये रील्स देखते हैं। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, देखिए मैं 3 चीजें यहाँ बोलना चाहती हूँ। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, उस पे लोग उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसकी वजह से रील वायरल हो जाती है। आप उसको वायरल क्यों करते हैं, आप उसमें रिपोर्ट क्यों नहीं करते? और अगर उसके आप कमेंट पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखा होता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम क्या देखने को मिलेगा? अगर ये सब कुछ ना करें और उसको रिपोर्ट कर दें तो वो सोशल मीडिया से हट जाएगी। कहीं ना कहीं वो वहां पे उसको पैसा कमाने का जरिया मिल रहा है, तो जब आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आप दोबारा रील बनाते हैं। सेकंड चीज, डिमांड एंड सप्लाई की बात है, जिस चीज की डिमांड है उसी चीज का सप्लाई है। यहाँ पे मुझसे पहले बोला था कि धार्मिक वीडियो और फिटनेस वीडियो, प्रॉब्लम यह है कि धार्मिक वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फिटनेस वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फैमिली एंटरटेनमेंट वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ऐसे रील्स पे मिलियन व्यूज होते हैं, मिलियन से मिलियन व्यूज होते हैं, लेकिन मानवी जी कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ, जिसमें कोई फैमिली ओरिएंटेड, मानवी जी मेरे को अभी एक सोशल मीडिया पे आप अभी बोल रही थी, कैन आई जस्ट बी देयर? मानवी जी मैंने आपकी बात समझी, नाउ यू प्लीज लिसन, थैंक यू मानवी। अभी जब आपने बोला, मानवी जी रिलैक्स, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। मानवी जी समझिए, आप थैंक यू, ऑडियो डाउन, एवरीवन ऑन है इंक्लूडिंग शहजाद, अनुराग जी एंड नासिर। नासिर साहब, अभी मेरे को एक सोशल मीडिया पे ही एक कमेंट भेजा कि बोला सर मानवी जी के पॉइंट में, एक चीज में तो पॉइंट है शहजाद कि जो डिमांड और सप्लाई होता है, लेकिन यही अश्लील वीडियोस पे भी आता है। जब मैंने पॉन पे डिबेट की थी मानवी जी, आपको याद होगा, आपने यही बोला था कि ऐश्वर्या ये जो सोशल, ये जो OTT ऐप्स पे, आपने कहा था। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है प्रीति पांडे जी, क्योंकि आप एक NGO चलाती हैं, मैं इसलिए आपसे ले रहा हूं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है या जो भी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है, उनको एक बड़े TV शो में भी ले लिया। आप समझिए मेरी बात, ये हमारी संस्कृति, ये आप समझिए, इससे इन्फ्लुएंस होता है। और ये बात भी कहीं ना कहीं मानवी जी की ठीक है कि लोग देख रहे होंगे ना, तभी तो उसके इतने मिलियन 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 फॉलोअर हैं। कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर FIR भी थी, कई हीनियस क्राइम्स को लेके एक कंप्लेंट थी, एक जगह से वो भागे हुए हैं, अभी उनके 3-3, 4-4, 5-5 फ्लैट है, यानी फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा चल रहा है वो सिस्टम जो मैं बात कर रहा था, और लोग देख रहे हैं। तो फिर मानवी जी कह रही हैं कि भैया आप किस मुंह से गलत कह रहे हो, एक आदमी, वो व्यक्ति नाम क्या मुझे पता नहीं, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा, आप कह रहे हो? देखिए हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है। मैम को नाम पता, बोलिए प्रीति जी। जी मैं कह रही हूँ हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह हर चीज के दो पहलू हैं। लेकिन जो मानवी जी ने अपना, मानवी जी की बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती है कि लोग देख रहे हैं, इसी तरह इसी वजह से ये फुहड़ एग्जाम्पल आपके सामने से जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहीं मेट्रो स्टेशन में हो, चाहे वो बस स्टैंड में हो, हाँ बिल्कुल बस स्टैंड में हो, चाहे कोई एयरपोर्ट पे हो, चाहे कहीं हो, मतलब कहीं पे भी आप खड़े हैं, आप फुहड़पन चीजें परोस रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसलिए वो चल भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि जो रील बना रहा है, जो उन्होंने पहली बार कहा कि रील बना रहा है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है? ऐश्वर्य मैं NGO चलाती हूँ, मजबूरी में ना लोग 10-10 घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, लोग अपने घरों में 10-10 घरों में जाके कारपेंटर का काम करते हैं, गरीब बच्चे जो मेरे आते हैं उनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, अपने एक एक करके मैम रिक्वेस्ट है जिससे वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं, एक एक करके मानवी जी आई विल कम टू यू, मानवी जी एक एक करके जनता तक पहुंचती है बात, कंटेंट परोसने के पीछे कोई मजबूरी हो सकती है, पैसे कमाने के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप 2 वक्त की रोटी चला सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने, मैं अभी बहुत देर से आपकी डिबेट देख रही थी, मैं लेट जुड़ी, माफी चाहती हूँ, अनुराग भदौरिया साहब ने शुरू करते ही जिस तरीके से 2014 के बाद बोली,
मुझे बहुत शर्म आती है ऐश्वर्या कि इतने सीरियस टॉपिक पे क्या मोदी जी ने कहा है क्या कि ट्रेल की पटरी पे खड़े होकर कोई रील बनाओ? मोदी जी ने कहा है सामने से गाड़ी आ रही है बीच सड़क पे खड़े होकर आप रील बनाओ? ये कोई गवर्नमेंट नहीं कहती, ना राहुल गांधी कहते हैं ना मोदी जी कहते हैं। तो इस तरह के सोशल इश्यूज पे भी जब ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी की बात करते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। ये बहुत सीरियस इशू है ऐश्वर्य, जिसके ऊपर सबको बात करने की जरूरत है। आप कंटेंट में कुछ भी परोसे और वो अनुराग जी आ रहा है, तो हमें टीवी पे आके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम लोग इस देख रहे हैं इस परोसा जा रहा है। अरे आपको उसका विरोध करना चाहिए। कोई चीज अगर दिखाई जा रही है रील पे तो क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए उसकी एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। नहीं, बाउंड्री लाइन बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ये व्यक्ति है वो पॉलीगैमी को ओपनली प्रमोट कर रहा है और भारत में ही युवा या जो भी है उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी मेरे को एक व्यूअर ने मैसेज किया, प्रथमा नाम है उनका, वो कह रही है कि सर हमने देखा है, वो शायद किसी स्कूल या फिर कॉलेज में, वो कह रही है कि कम्युनिकेशन क्लास को बंक करके टीना जी बच्चे रील के थ्रू मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। दैट्स द आयरनी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। टीना जी अगली जनरेशन को इस तरह से खराब होते देख, मतलब वी जस्ट कांट बी बायस्टैंडर्स एनीमोर मैम। टीना जी एब्सोल्युटली ऐश्वर्या, मैं भी यू नो फिटनेस वीडियोस बनाती हूँ और डालती हूँ, तो कई बार बड़े कमेंट्स आते हैं भद्दे से, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके अगर आप कमेंट पढ़ें और वो सॉफ्ट पॉर्न टाइप का यू नो कॉन्टेंट परोस रही हैं, जैसे पूनम पांडे थी या फिर एक दो लड़कियाँ जो बॉलीवुड में जिनको ग्लैमर और जिन्हें पपराजी टाइप्स का जो भी है मतलब उन्हें फोकस मिलता है, तो उसको देख देख के लोग इतना कुछ मतलब इतना कुछ भड़काऊ डाल रहे हैं। इवन अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही है या उसका रेप करने की कोशिश कर रहे हैं पांच लोग, तो वो भी मतलब वो भी वीडियोस बने, यू आर राइट, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस में भी काम आता है, दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। या जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्रिमिनल ऑफेंस। पर वो मजे लेने के लिए, मतलब मैं इसको सही शब्दों में कहूंगी कि मजे लेने के लिए इस टाइप के वीडियोस डाल के, और आपने कहा पॉलीगामी की बात, तो अरमान मलिक है वो, उनका एक बैकग्राउंड बहुत ही सीरियस ऑफेंस वाला बैकग्राउंड है, दो दो वाइफ्स हैं, अब वो यू नो बिग बॉस का हिस्सा है, तो लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। मतलब बिग बॉस तो वैसे भी मुझे कैसी फैसिनेशन है, ऐसा हो गया जैसे लोग रामायण की तरह देख रहे हैं, जैसे लोग रामायण और महाभारत देखते थे तो अब लोग बिग बॉस देखते हैं। मैं लोगों की लाइफ का हिस्सा मानती हूँ ऐसी चीजों को, और लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि गलत सही कुछ कोई है नहीं, वो एक 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 नहीं, बट मानवी ने जो कहा, अनुराग जी शहजाद जी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स, मैं आ रहा हूँ, आई एम एक्सटेंडिंग दिस डिबेट, लेकिन मानवी जी ने कहा कि चाहे वो व्यक्ति हो जिसका अभी आपने नाम लिया कि मलिक जो है वो हो या कोई और हो, प्रीति जी ने कहा आमदनी के लिए कमाने के बहुत तरीके, लेकिन प्रीति जी मैं ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ, इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक है कुछ फूड ब्लॉगिंग होती है, एक है उससे किसी को नुकसान नहीं है, जैसे एक वो चाय वाले हैं जिनके पास बिल गेट्स गए बिकॉज उनका लुक है, उनका चाय परोसने का तरीका इतना एक्साइटिंग है, लेकिन उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा। अब अनुराग भदौरिया जी बर्फ का गोला बना रहे हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अब वो जिसके लिए भी कर रहे हैं उस पर मैं डिबेट कर सकता हूं, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, आप मेरी बात समझिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, बट आई हैव अ प्रॉब्लम जब एक पति अपनी बीवी की वीडियो बना रहा है गाड़ी चलाते हुए, जानते हुए कि 10 मीटर पीछे खाई है और वो पहली बार चला रहे हैं, वो ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा देते हैं, गेम ओवर मैम, गेम ओवर, शी इज गॉन फॉर लाइफ। आप समझिए जो आपने कहा, मतलब अटेम्प्ट टू रेप का हो रहा है, ऑन एयर हो रहा है, चौपार चार पांच गैंग, अब वो हो रहा है और उसकी रील बन रही है, बाद में पता लगता है इट्स ऑल स्टेज्ड। कई ऐसी वीडियोज आई मेरे पास, बाद में मेरी टीम ने बोला सर ये तो स्टेज्ड वीडियोज है, स्टेज्ड क्राइम क्या होता है, और उस पर आप पॉलिटिशियन से किसी से नहीं बोल सकते, एवरी पॉलिटिशियन इधर वाले उधर वाले सब, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन हैज अ सोशल फ्रेंजी ऑन इट। मानवी तनेजा व्यू पॉइंट, और उसके बाद ममता जी आपके पास आ रहा हूं, मानवी जी, नासिर जी आ रहा हूं, अनुराग जी, शहजाद जी, पहले मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे बता दीजिए डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या हमें बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। कभी आपको शुरू में तो ऐश्वर्या जी आपको वो बर्फ के गोले से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी आपको बर्फ के गोले से प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं, मेरे को बर्फ के गोले से कभी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे को बर्फ के गोले का क्या यूज है उससे प्रॉब्लम थी। आपने कहा कि आप मैसेज क्या, बट आई गेट योर पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, देखिए रील तो रील है, रील तो रील है, वो कैसे भी आप बनाना चाहें। दूसरी बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फेलियर है अगर ये ऐसा रील वायरल होती है तो प्रशासन
पर्सन क्या एक्शन लेती है, एफआईआर क्यों नहीं होता, उसको अरेस्ट कर ले, फायरवॉल होना चाहिए, वो तो ठीक है बात का मुद्दा है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं होती, पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? जब रील वायरल हो जाती है तो आप उस पर एक्शन लीजिए ना, लेकिन आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग यहाँ पे बैठ करके लोग सिर्फ यहाँ पे इसका चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं, मानवी जी मैं आपको बता रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ एग्जैक्टली इन 10 सेकंड, ऐसी एक वीडियो है, रील है, उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, यूपी की है, मध्य प्रदेश की है, पंजाब की है, हरियाणा की है, बिहार की है, गाड़ियां जाती हैं, पुलिस के बैरिकेड्स को डेलिबरेटली बैंग किया जाता है और उसके बाद उनमें आग लगा दी जाती है, जस्ट फॉर फन, दिस इज नॉट फन। मेरा अनुराग भदौरिया के ऊपर सवाल था कि राजनेता पे कि व्हाट आर यू अचीविंग, समाजवादी पार्टी का कौन सा एजेंडा पूरा हो रहा है, उन्होंने कहा मैं गर्मी के लिए कर रहा था, मैंने कहा ओके पॉइंट टेकन।